देश के वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया, और विशेष रूप से सबसे बड़ा काम जो शायद अरुण जी जैसा ही व्यक्ति कर सकता है, जीएसटी को लागू करना। इस देश के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकारें, उन सरकार अपने अपने विषय, और मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं तो राज्य के अपने स्वार्थ होते हैं, क्योंकि जब वन टैक्स होता है तो हमारे भी ध्यान में आता है कि चार टैक्सेस अगर चले जाएंगे तो हमारे पास पैसा कम आएगा, ये तो बाकी लोगों को ज़्यादा मिलेगा, और इसलिए सारे राज्यों के स्वार्थ होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है। लेकिन ऐसे सभी लोगों को सेम पेज पर लाकर वन नेशन वन टैक्स का सपना, जीएसटी को यथार्थ में लाने का काम ये अरुण जी ने करके दिखाया। और सबसे महत्व की बात यह है कि जीएसटी काउंसिल, जो अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर्स की मिलकर काउंसिल बनती है, तुम्हारे उस समय के अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी वहां जाते थे, जाने से पहले क्या बात करनी है, हमारा क्या राय है, इस पर हमारी चर्चा होती थी, आने के बाद भी होती थी, एंड एवरी टाइम ही वॉज अमेज्ड कि इतने सारे लोग वहां तैयारी करके आते थे कि हम विरोध करेंगे, अब ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे, बाहर बोलकर आते थे, और अरुण जी बड़ी शांति के साथ, पेशेंस के साथ सबकी बात सुनते थे, पेशेंटली एक एक चीज का जवाब देते थे, और इतने डाइवर्स लोग होने के बाद कभी कोई फैसला वापस नहीं लेना पड़ा, और किसी एक भी फैसले पर मतदान नहीं हुआ, सारे फैसले एक मत से सबको साथ में लेकर पूरा कंसेंसस बनाकर अरुण जी करते थे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कला अरुण जी में थी, आज उसी के कारण जीएसटी जैसा एक टैक्स, और हम देख रहे हैं उस समय जो उन्होंने फोरकास्ट किया था जीएसटी के बारे में, वो आज हमको बिल्कुल यथार्थ में आता हुआ दिखाई पड़ता है। बल्कि कोरोना के कठिन काल में भी आज जीएसटी जैसे टैक्स के कारण, चाहे वो राज्यों की अर्थव्यवस्था हो, चाहे केंद्र की अर्थव्यवस्था हो, जरूर उस पर प्रेशर आया, लेकिन उसमें वो हम सर्वाइव कर पाए और अभी थ्राइव भी करेंगे, इस प्रकार की अवस्था है। और मैं निर्मला जी को भी इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि ये जो परंपरा अरुण जी ने शुरू की, उस परंपरा को आगे ले जाकर उसका निर्वाह करते हुए उसी ताकत के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला है। ये जरूर है कि जब भी कोई सवाल आता है तो जरूर निर्मला जी को, अरुण जी की याद आती होगी, और ऐसे समय उसका जवाब भी ये मिलता होगा कि वे विचार करती होगी कि अरुण जी होते तो क्या करते, और शायद उसी में उनको जवाब मिलता होगा, इसीलिए इतने अच्छे तरीके से ये सारी चीज को वो आगे ले जा पाई है।